हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रेडमी 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना ये ऊपर की साइड ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ना अपनी सिम सेलेक्ट करनी है जिस सिम से आपकी कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अपने इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको APN का पेज मिलेगा। APN के इस पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये ठीक से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आपको नीचे की साइड ना एक ऑप्शन शो हो जाएगा ये वाला रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको टैप करना है। तो आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग पेज में लेकर आएगा। आपकी जो तीन सेटिंग है ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है, ठीक है। आपको इसे नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। एक पेज आता है, इसमें आपको ओके पे टैप कर देना है। तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप होता है ना, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इस कॉलिंग के ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है। इस पेज में आपको ये ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे आपको टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है। आपका ये वाला ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये ऊपर की साइड ये स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ना ये डेटा और ये जो कैच है ना, इन दोनों के सामने वाला डेटा ये आपको जीरो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको नीचे की साइड क्लियर डेटा का ऑप्शन टैप करना है। एक पेज आएगा, इसमें आपको है ना क्लियर कैच का ये ऑप्शन पहले टैप करना है। आपका ये एक और पेज आएगा, इसमें ओके कर देना है। तो आपका ये जो कैच के सामने वाला डेटा ये आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा इसे क्लियर ऑल डेटा पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आएगा, इसमें ओके कर देना है दोबारा। तो आपका ये डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ये दोनों आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन का कॉलिंग का ऐप रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका पेज आता है, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना है कि देखिए, आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगा के फोन के अंदर डाल देना है। इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है। अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे ऊपर की साइड ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन ये वाला टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको टैप करना है। इन दोनों में से एक टाइप करेंगे तो आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में आपको लेकर आ जाएगा। आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले ना आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, तो इससे आपके मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।